You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. हेलो एवरीवन, अभी आज है आराध्य का फर्स्ट क्रिकेट डे, तो आज देखते हैं क्या ट्रेनिंग होता है, क्या फीडबैक वो देता है. ऑन द बेस ऑफ दिस ट्रेनिंग डिसाइड होगा क्या आराध्य का कंटिन्यू होता है, क्या होता है. ये सेकेंड बैच है, फर्स्ट बैच अभी चला गया है. ये सेकेंड बैच में है आराध्य का. ये पूरी एकेडमी है जिसमें हमने आराध्य को डाला हुआ है. और अभी तो ऐसा लग रहा है वो एंजॉय कर रहा है, बट 1.5 आवर है, 1.5 घंटे. तो 1.5 घंटे में हालत तो ख़राब होने वाली है. तो ये क्रिकेट फील्ड है, उधर फुटबॉल है, बीच में भी क्रिकेट है. तो आज का ब्लॉग का आराध्य का ही रहेगा कि आराध्य का मॉर्निंग का है स्विमिंग, तो स्विमिंग का छोटा छोटा वीडियो बनाया है जो डालेंगे. और अभी क्रिकेट का जो है, क्रिकेट का एक पूरा ब्लॉग बना कर डाल रही हूँ. और आफ्टर देन देखेंगे स्विमिंग में भी. अभी आराध्य का स्टार्टिंग है, उसका भी स्विमिंग के 3 क्लासेज हो चुके हैं. क्रिकेट का फर्स्ट डे है और मुझे नहीं लगता कि आराध्य में बोर होगा, वो एंजॉय करेगा, तो क्योंकि उसके भी एज के बच्चे हैं. और बच्चे क्या होते हैं ना, फ्रेंड बना ही लेते हैं. तो अभी क्या चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में अगर बच्चों को इंगेज ना रखिए ना, तो फिर वो डिफरेंट टीवी देखना, डिफरेंट एक्टिविटी. और टीवी में बच्चों का क्या होता है ना, आराध्य के साथ भी है कि अगर वो आपका चाइल्ड एक ही बच्चा है ना, तो और घर पे वो टीवी में अपनी एक्टिविटी में वो बिजी रहते हैं, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, टीवी. तो थोड़ा सा उस बाउंड्री से निकाल के बच्चों को अलग रखना भी, मतलब कि ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के माइंड ग्रो करने के लिए. आज मैं एक्सपेक्ट लगा के आई हूँ, और जब मैं इसको लगाती हूँ ना, तो अभी तक स्टिल मुझे आदत नहीं है, तो जब मैं लगा के उसको निकालती हूँ तो मुझे चक्कर जैसे आने लगता है. बट लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से एक्सपेक्ट लगा हुआ है और मैं लगाती नहीं हूँ, तो मुझे होती है प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी देर हम क्या करते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो हमें होती है प्रॉब्लम. तो यही है कि एक्चुअली हमने सोसाइटी चेंज किया है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है, एज लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग. तो वन बाय वन हम सोच रहे हैं कि आराध्य को कहते हैं, को पता है कि ब्लॉग बन रहा है, तो जब भी इधर से जा रहा है ना, इधर मुड़ के एक बार ज़रूर देख रहा है. और कल से मैं ना स्पीकर लेके आऊँगी, अदरवाइज जो मेरी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं जाएगी, तो प्रॉब्लम होगी. और वॉइस ओवर करने में ना उतना ही टाइम जाता है, तो मैं देखती हूँ. ये फील्ड काफ़ी बड़ा है, इधर ऑफिस है, ये ऑफिस है, और वो हमारी बिल्डिंग है. ये फर्स्ट नहीं, सेकेंड वाली हमारी बिल्डिंग है, इधर भी है.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Forget you. All I know and what I need, and I ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know and what I need, and I ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. तो राधिका शायद यहाँ निशाने वाली प्रैक्टिस चल रही है। वाह, टच हुआ। तो सबकी अलग अलग अभी प्रैक्टिस चल रही है, बैच अभी स्टार्ट हुआ है। और आराध्य कल से मुझे परेशान कर रहा था, आपने इतना लेट क्यों एडमिशन कराया मेरा, इतना लेट क्यों एडमिशन कराया। तो उसको कहें ऐसा ना हो कि मुझे नहीं आता है, बाकियों को आता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कल से मेरी बैंड बजाएगा, कल से बोलेगा कि मुझे नहीं आना है। सो एक्चुअली मेन यहाँ ना बॉलिंग ही सिखा रहे हैं अभी, बैटिंग तो अभी शायद लास्ट में सिखाएंगे, बॉलिंग करना सिखा रहे हैं। और जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं छोटी थी तो मुझे क्रिकेट से बहुत डर लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि बॉल आके ना मुझे हिट करेगा। तो मुझे हिट से और ये सब सारी चीज़ों से ना बहुत दिक्कत होती थी। तो कभी मैं क्रिकेट खेली नहीं, मुझे बैडमिंटन मतलब जिन चीज़ों में मुझे थोड़ा सा हिट की प्रॉब्लम होती थी ना कि इसे चोट लग सकती है, वो चीज़ें मैं नहीं करती थी। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे तो लगता है, मैं एक्चुअली डरती हूँ। बट आराध्या के पापा हमेशा जहाँ उसको सीखना रहता है वो वहाँ पर वो जाना प्रीफर करते हैं, कंपेयर टू मुझे नहीं भेजते हैं। वो बोलते हैं कि वो उसको सीखना है तो अगर तुम जाओगी तो उसको सीखने नहीं दोगी, उसको हिट हो जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी तरह से साइकिल में भी था, साइकिल में मुझे लगता था वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही था मेरे साथ, मैं साइकिल भी चलाती थी, इतना डर डर के चलाती थी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था और थोड़ा सा मतलब मेरे पेरेंटिंग में भी था। मेरी मम्मी हमेशा डरती रहती थी, पापा तो नहीं, मम्मी हमेशा डरती रहती थी। मेरा भाई ऐसे प्रोटेक्ट करता था कि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लगे। तो वो चीज़ ना मेरे अंदर भी अभी मेरे अंदर भी है कि वो उसको हिट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और आराध्या के पापा हमेशा बोलते हैं कि अगर वो गिरेगा तभी सीखेगा, और अगर वो चोट से डरेगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ। तो
आज का आराध्य का यही है एकेडमी डे फर्स्ट, क्रिकेट एकेडमी डे फर्स्ट। अभी थोड़ा सा अगर क्लिप बनेगा तो मैं लूँगी, अदरवाइज यही का प्रैक्टिस चलेगा। तो ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, छोटा सा ये ब्लॉग बनाया है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो थम्सअप जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए चैनल, हमें हमारे चैनल को। और कुछ ऐसा लगे तो कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगता है पढ़ के। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। ये आराध्य खेल के आया है, एकदम थक गया है, मुझे लग रहा था यहाँ से कि वो एंजॉय कर रहा है। इसमें क्या मेहनत है, एकदम पसीना पसीना और हेडेक भी होने लगा। बेटा यू आर एंजॉयिंग, टफ है ये तो, सब ये वो भी और भी टफ होने वाला है, और उड़ के सीधा जल्दी से मारना होगा। हाँ अच्छा, थोड़ा रेस्ट कर लो।